पिरामिड कंपनी का ऑफिस किधर को है? कौन सी कंपनी भाई? अरे वो जो गाने के कंपटीशन में हर साल जीतने वाले को बख्श नहीं मालूम। बड़े भाई ये पिरामिड कंपनी का ऑफिस जाना, दिमाग का दाई मत कर। अरे बचाओ, अरे 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 बचाओ बचाओ। आप उन कौन? इंपोर्टेड मालो। अपुन तो इंपोर्टेड है। तेरा नाम? खान। पंजाबी खान। तेरा नाम? मुरली। क्या? अरे क्या शहर में गाउटी नाम चिपका के घूम रहे है? अच्छा नाम रखने का बीड़ू, आगे का कट पीछे का कट और बीच का हिट वही होगा फिट, सुपर हिट शंकर दादा। काम धंधा क्या करता है? अपुन गाया गए, ये देख हारमोनियम। हारमोनियम अपुन तो बोलची है, लेकिन साला कोई अपुन को भाव नहीं देता। बेड़ू खाली तबला बजाने से कोई भाव नहीं देने का, अपुन दोनों मिलकर हारमोनियम और तबला बजाएंगे तो कोई अपुन का नहीं बजाएगा। अपुन खाली पेट का वास्ते इधर को नहीं, अपुन का एक गेम है। ओके। ये पिरामिड कंपनी किधर को है? पिरामिड कंपनी पता है अपुन को। आजा बेड़ू आजा आजा, चल आजा आजा। अरे कहाँ जाता है? अपुन फेमस म्यूजिक डायरेक्टर है, ये हेमस अपुन रश्मिया। हेमस और सर अंग्रेजी मालूम है क्या? सारे गामा। सारे गामा? ओ सारे गामा संगीत भाषा। गाड़ी कहाँ है साहब? रोड पर। रोड पर? वाह क्या साधारण स्वभाव है। आइए आइए साहब, आइए आइए ना। सर सर हिमेश और रेशमिया जी आए हैं, जरा झूम झूम। क्यों चिल्ला रहा है? और झलक दिखला जा के म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं सर। हिमेश और रेशमिया चल बुलाओ उन्हें। आइए साहब आइए अंदर आइए 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 आजा आजा आइए। नमस्ते। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। गेट आउट गेट आउट। कौन हो तुम लोग? अपुन का नाम शंकर है। अपुन का नाम पंजाबी खान है। एक बार गाने का मौका दिया तो खुद को हिमेश और रेशमिया बोलकर क्या चांस पालोगे? नहीं 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 अपुन नहीं बोला, ये बोला। ऐसा बोला तो आपका गोरखा अपुन लोग को। सुनो सड़क छाप गायकों की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अरे सुनो अपुन का बात सुनो, एक बार अपुन को गाने का मौका दो ना भाई। देखो वॉचमैन साहब, साहब कुछ चाय पानी? शट अप। ये लोग हिमेश और रेशमिया नहीं है, बेगर से। बेगर? अरे बेगर बोले तो भिखारी बोल रहे हैं अपुन को। जाओ इन्हें। अरे तुम लोग। अरे साहब अपुन का बात सुनो। साहब अपुन गा गए साहब, एक बार बात तो सुनो। ये क्या करेगा? अरे ला यार। एक बात सुनो, उस एमडी की माँ की आंख, चल भगवान को पूछे। भगवान? हाँ कंपनी का मालिक। तू मालिक को जानता है? अरे जानता उसको, वो तो अपुन का लंगोटिया यार यार। ए, बात सुन, ऐसा झूठे नौटंकी करके बेइज्जती करवाना अपुन को पसंद नहीं, सच बोलेगा तभी अपना पटेगा। अरे भाग भाग अबे निकल निकल से भाग भाग जल्दी भाग। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, आप भी पिरामिड कंपनी का सेट है ना? यस, जीते रहो जीते रहो। आपकी कंपनी का जो गाना गाने का फाइट है ना उसमें अपुन को एक चांस मांगते हैं, अपुन लाइफ टाइम तक आपका थैंक यू रहेगा। हां बिल्कुल साहब। गाने के मुकाबले में चांस चाहिए सर? यस राजेंद्र, प्लीज इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दीजिए सर। कर दूंगा, रूपा कहाँ है? आ रही है सर। सर वो मथुरा वाली पार्टी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, क्या कहते हैं आप? किसका डैडी?
वही बेटी मथुरा वाले प्रेम। नहीं नहीं, वो मेरी सहेली हेमा के डैडी हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैनेजर, उन्हें परेशान किया तो ठीक नहीं होगा। लेकिन सर, उस पार्टी से काफी नुकसान हो रहा है। इसने बोला ना, बहस मत करो, इसकी बात मानो। थैंक यू डैडी। देखा? क्या देखा? अरे बीड़ू, मेन पावर कहाँ है पता चला? किधर को? मैडम के पास। मैडम के पास? हाँ, मैडम पट गई तो काम बन गया। अरे लेकिन मैडम को कैसे पटाएं? तुम मत पटाना, तुम्हारा काम नहीं है, मैं पटाता हूँ। गुड आइडिया। कौन सा? उस कैसेट कंपनी के मालिक की छोकरी हमेशा इधर से गुजरती है। ये भी मालूम है? जब कार पास आएगी तो अपन उसके कार के आगे लेट जाएगा। अरे समझा? अगर वो कार तेरे पे चढ़ गई तो? अपन कौन है? खान, पंजाबी खान। तुरंत पलट कर बच जाऊंगा। आई बात समझ में? क्या कार जैसा नजदीक आएगा तुम लुढ़क जाएगा। और फिर अपुन आग बंद करके पड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपुन को तुम चुपचाप रहने का। तेरी माँ बहन हो जाए फिर भी अपुन चुप रहेगा। हाँ, बस इतना करने का, बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस, बम बम करने का, ताकि वो छोकरी घबरा कर कहे सुनो शोर नहीं मचाने का, मैं पैसा चाहिए ले लो। तो बोलने का, ए लड़की पैसा नहीं मांगता है, बस तुम्हारी कंपनी में गाने का चांस मांगता है, और वो दे देगी। कैसा लगा अपुन का आइडिया? तू तो बाप है यार। ए, चमचागिरी नहीं करने का। मुझे कार आ रही है। अब कार इधर नहीं, उधर आ रही है। उधर उधर चल चल चल। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे तुम लोग अमीर लोग को भी कार नहीं चलाने को आती, एकदम हवाई जहाज के माफिक चलाता है। अरे जरा इसके हालत तो देखो। अरे मर गया बेचारा। चुप। क्या चुप? इसका बैंड बजा डाला कहती है चुप। अरे छोड़ो उसको। अरे क्या कर रही है? इतनी चोट लगी है, ऊपर से मार रही है। चोट कहाँ लगी? अंदर अंदर। चोट तो नहीं लगी है। ये तेरे को कैसा मालूम? पता है ये कैसा चश्मा है? ठंडी का चश्मा है। नहीं, एक्सरे चश्मा। क्या बात कर रहे हैं बाप? उनको ले लिया। इसे पहनने से अंदर का सब कुछ दिखाई देता है। क्या? अबे निकल निकल चल। गुरु क्या? मैनेजर से तो गाली में, मैडम से मार खाया, अब किसको फंसाने का है? दोबारा छोकरी को पकड़ूंगा। दोबारा उसको? और क्या, ए डरता काई को, चल अपुन के साथ आजा चुपचाप। गुरु, अपुन को मुकाबले में मौका दिलवाएगा या जेल में चक्की पिसवाएगा? फॉलो मी। वो लड़की बाइक लेकर बहुत ही स्टाइल से मटक मटक के चलती है, अपुन पीछे से बैग छीनकर भाग जाएगा, वो लड़की चोर चोर चिल्लाएगी, और तुम हीरो के माफिक एंट्री लेने का, अपुन को दौड़ा के पकड़ने का, और मार मार के अपुन का भूर्ता बना देने का, एंड सच में नहीं मारने का, अपुन बैग छोड़कर भाग जाएगा, तुम वो बैग उठाकर लड़की को देने का, वो जरूर बोलेगी क्या चाहिए तुम्हें तुम्हारे उपकार के बदले में, तुम बस गाने का चांस मांग लेने का, और वो दे देगी। कैसा लगा अपुन का आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस दिन बहुत बेरहमी से मारा था, वापस मारा तो? अरे बीड़ू, उस दिन तो जल्दी में कहानी लिखा था, आज तो स्क्रीन प्ले डायलॉग के साथ लिखा है अपुन ने। वो आ रही है। चोर वोर नहीं है, अपुन वही जो आपकी गाड़ी के नीचे आया था। अरे जूते खाना ही इस गरीब की किस्मत में लिखा है, इसको मत मारिए वरना तुम इससे बचाओगे? अरे अपुन क्या बचाएगा, इतनी ताकत है तुम में? नहीं अपुन कमजोर है, अपने को इतना बहादुर समझते हो? नहीं अपुन फट्टू है, अपुन को सिर्फ गाना गाने का मौका। शट अप। उस दिन मेरी कार के सामने मरने का ड्रामा किया ताकि पैसे मांग सको, और आज मेरा पर्स मारने की कोशिश की। देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, हाथ पैर भी सलामत है, फिर ऐसा काम करने में शर्म नहीं आती? कोई और काम करो, भीख तो मत मांगो, किसी का हराम का पैसा मत लो तुम लोग, समझे? पैसे चाहिए ना? ये लो। ले पी ले नारियल पानी। अरे बीड़ू, उस छोकरी के बात का बुरा नहीं मानने का, सब भूल जाने का यार। अरे उस छोकरी का बात नहीं है, उस मुकाबले में हिस्सा लेकर अपन को मुकाबला जीतना है, 1,00,000 रुपए हासिल करना है। अगर 1,00,000 रुपए नहीं मिला नहीं मिला तो तब अपन के जीने का कोई मकसद नहीं।
तुम लोगों को देसी दारू सप्लाई करने वाला गजराज ही है ना? बोल, गजराज ही है ना? ए इंस्पेक्टर, अब उनका नाम ही गजराज है। ये लोग देसी दारू बेच रहा था, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? वकील। इंस्पेक्टर, ये लो सबका बेल ऑर्डर। इंस्पेक्टर, इस शहर के छोटे क्या बड़े क्या, सब लोग गजराज के नाम से घबराते हैं, नौकरी जा सकती है, सोच लेना जरा। आउट, दफा हो जाओ, आउट। ए सबके संभालो। आगे से अब उनसे पंगा नहीं लेने का। गजराज है मेरा नाम। क्यों सर, हम इस बदमाश की दादागिरी खत्म नहीं कर सकते? यहां सब बुजदिल हैं, कोई एक उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दे तो मैं उस गुंडे को मार मार के सीधा कर दूंगा। मत मारो, मत मारो। तुम सब आदमी हो या हैवान जो इस बेचारे बूढ़े को मार रहे हो? ए, अपन का निजी मामला है, टांग नहीं अड़ाने का। ए चुप, एक लाचार को मारते हो और कहते हो निजी मामला है? मैं आईजी से कंप्लेन करूंगी। अरे जाना बुलबुल। क्या कहा तूने? हो बस, अपने जग्गा को छोकरी ने मारा। गजराज है मेरा नाम। अब उनके साथी को मारा, नो प्रॉब्लम, माफी भी मत मांग। बस वो दो तमाचा मारेगा, उसके बाद ही तुम जा सकोगे, और फिर वो भी चला जाएगा। ए बेडू, देख उधर लफड़ा हो रहा है। रुपया ना? हाँ वही चे। बीड़ू, वो अपुन को भिखारी बोल रही थी ना, देखा तबियत से फटके पड़ रहे। वो तो बेचारे लड़के हैं, मरने देना। क्यों दर्द हुआ? अरे क्या भाई, इतना सॉलिड बॉडी आपको और एक लड़की पे हाथ उठा ले ले। ए, तेरी लोगों में तेरे बाप का खून है तो अपुन पे हाथ उठा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ कर। तुम सब दूर रहो, अपुन संभालता है। Yeah.
बचाओगे इसे? अरे अपुन क्या बचाएगा, इतनी ताकत है तुम्हें। अरे अपुन तो कमजोर है, अपने को इतना बहादुर समझते हो? एकदम फट पे। दौलत कितनी भी हो पर टाइम पर काम नहीं आती, पर इंसान काम आता है। मार भाई, खूब मार। वो क्या तुमसे शादी करने को बोला? वो तो गाने का चांस मांग रहा था। क्या लफड़ा है इंस्पेक्टर साहब? ये एक लड़की को मार रहा था, अपुन ने रोका तो अपुन से ही लड़ गया। ओ, तुम नए हो? हाँ साहब। इसने जो मारपीट की इसके बारे में तुम कंप्लेंट लिखवा सकते हो? हाँ जरूर साहब, अपने को क्या फर्क है। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। अपुन का नाम शंकर है। नाम जैसे ही हो। सारे बंदोबस्त कर दिया सर, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए सर। डैडी। क्या है बेटी? डैडी, आज अपने यहाँ जो गाने की कंपटीशन है उसमें ये भी हिस्सा लेंगे। ये दोनों? डैडी, ये दोनों कंपटीशन में जरूर गाएंगे। लेकिन कैसे हो सकता है सर, मुकाबले में उम्मीदवारों के नाम दर्ज करने का? शट अप, मैं डैडी से बात कर रही हूँ। बेटी, लाइव म्यूजिक कंपटीशन में जो लोग भाग लेने आएंगे तुम तो जानती हो ना, सबके सब स्टूडेंट्स हैं। ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो ऑडिटोरियम को तोड़ फोड़ डालेंगे और फिर ये कंपनी के प्रेस्टीज की बात है। भाग लेने वाले सबके सब बड़े फेमस ग्रुप हैं। इनको छोड़ो। अरे इन्हें छोड़ो, ये सड़क छाप हैं। इन्हें जाने दो। इसे देखो, ये अफ्रीकन बंदर जैसा दिखता है। इनके स्टेज पर आते ही लोग पत्थर मारेंगे। ये क्या गाएंगे? आई एम नो सिंगिंग सर, आई एम ओनली तबला बजाएंगे। इंग्लिश इसकी सुनी तुमने? डैडी, आप इन्हें कंपटीशन में गाने का मौका देंगे या नहीं? अच्छा बाबा, ठीक है, दूंगा। थैंक यू डैडी, थैंक यू। राजेंद्र, मेरी सुनो, तुम मेरी रूपा का मिजाज नहीं जानते। जो चाहेगी उसे हासिल करेगी। मेरी रूपा मेरी जिंदगी है। कोई पुरानी तारीख डालकर दोनों की एंट्री कर दो, देख लो बेटी। जाओ, डैडी ने जो कहा वो करो। अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम खान, पंजाबी खान। पंजाबी खान, ये कैसा नाम है? तुम बताओ। शंकर, आज से पहले स्टेज पर कोई गाना वाना गाया है क्या? नहीं, पहली दफा है अपुन का। सब गड़बड़ होने वाली है। अब शंकर शंकर भरोसे। आज के इस कंपटीशन का पहला गाना पेश करने जा रहे हैं मिस्टर मनोज कुमार, कहकशाओं के शहर से। अगला गाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। थैंक यू ऑल, थैंक यू। और अब नाम क्या है तुम्हारा? मुरली कुमार। शंकर। शंकर, अब आपके सामने शंकर जी गाना गाएंगे। जाओ जाओ ना। Thank you.
मंजिल की किरण ढूंढी थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें में, मंजिलों की किरण ढूंढी थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें में, रास्ते हुए रोशन सामने है मेरी मंजिल, दिल ये मेरा ढूंढे किरण ढूंढी थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें, मंजिलों की किरण ढूंढी को अपन का गाना पसंद नहीं आया।
जजों से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सबने फैसला कर दिया कि शंकर ही विजेता है। मुबारक हो, लाख रुपया मुबारक हो। बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया तुमने, भी बहुत अच्छा बजाया। वाह वाह, मान गए, तुम में इतनी प्रतिभा है मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर तुमने गाना शुरू किया तो यकीन मानो मैदान में कोई दूसरा नहीं रहेगा। राजगढ़ का बस कितने बजे गए? क्या राजगढ़ राजगढ़ लगा रखा है, तुम्हारा गाना कितना पॉपुलर हुआ है मालूम है तुम्हें? आज ही हमारी कंपनी को 2,00,000 कैसेट का ऑर्डर मिला है। राजगढ़ का बस पकड़ के पहली फुर्सत में पहुंचने का है। फिर राजगढ़, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। आजकल पैसा और नाम दोनों के पीछे भाग रहे हैं लोग, एक तुम हो कि इस हाथ आए मौके को खो रहे हो। जितना रुपया आप उनको चाहिए था आप उनको मिल गया, अभी फटक से रुपया आप उनको माँ के हवाले करने का है। अच्छा बाबा, तुम नहीं मानोगे, वापस जाओ और अपनी माँ को भी अपने साथ यही शहर ले आओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अपन कोशिश करेगा। अच्छा बिड़ू, अपनी आवाज के बल पर तुम जीत गए, इनाम के रुपये भी मिल गए, पूछने पर भी तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आखिरी बात क्या है बताओ ना। कल तुम मंदिर आई, मैंने भगवान से पूछ लिया, उन्होंने आज्ञा दे दी, अब तुम भी इनकार मत करो। ये भगवान की आज्ञा, ये भगवान की आज्ञा, इनकार मत करो। श्री शंकर जय भोलेनाथ की। बहुत गलत बात है। क्या सोच रहा है, मंदिर में ठोका इसलिए? भगवान से पूछ लिया, वो आप उनको बोला ठोक डाल इसको। बच्चे ये भगवान का ऑर्डर है, इनकार नहीं करने का। कैसा लगा तेरे को? मैंने कभी भी बिना कारण कोई काम नहीं किया, बात भी नहीं करता। क्यों, मैंने ठीक कहा? आज बिना मतलब तेरे बेटे ने मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया, इसका क्या जवाब दोगी? शास्त्री की लड़की से बुरा बर्ताव करते देख मेरे बेटे ने रोका। ओहो, तब तो यही कारण हुआ होगा। शास्त्री की बेटी और तेरे बेटे के बीच संबंध है, इसी वजह से तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मारा पीटा होगा। हाँ पूछिए ना। कोई लड़की मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए कोई संबंध होना जरूरी नहीं, मानवता होना काफी है। क्यों रही? 12 बरस पहले तेरे मर्द ने जो 5,000 रुपए लिए वो लौटाने की हस्ती तो है,
और मेरे सामने आकर मुझे न्याय सिखाती है। अब वो कर्ज ब्याज के साथ मिला के 1,00,000 रुपया हो गया है। तूने जिसको पैदा किया है अगर वो मर्द है तो 1 हफ्ते में कर्ज लौटाने को बोल, वरना तेरा मकान बिकवा कर तुम दोनों को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। दफा हो, सुना नहीं? मुरली मुरली, महावीर ने पंचायत के सामने चाची पर हाथ उठाया। क्या? मैं उस हरामजादे का हाथ ही काट डालेगा। ए मुरली, फरसा लेकर कहाँ जा रहा है? अब उनके माँ पे हाथ उठाने वाले का सर काटने। अच्छा है, फिर तू जेल जाएगा और मैं खूनी की माँ कहलाकर गली गली भीख मांग कर अकेली जीऊंगी। तू गुस्से में हथियार उठाने के बदले हिम्मत से काम ले। तू अपनी माँ का सच्चा सम्मान करना चाहता है, मेरा मान बचाना चाहता है, तो बेटा महावीर के मुँह पर उसका पैसा फेंक दे, तभी तू कहलाएगा सच्चा मर्द और मेरा बेटा। लेकिन माँ, उसने तेरे पे हाथ उठाया। तू उसका सारा कर्ज उतार, थप्पड़ का बदला मैं लूंगी। अब समझा उस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अपन क्यों बेकरार था। तूने हिस्सा लिया वो तो ठीक, पान अगर तू हार जाता तो? सचमुच जीतूंगा अपन को मालूम था, क्योंकि जो गाना अपन ने गाया वो अपन का नहीं, वो देवी ने अपन को सिखाया था। माँ के कर्ज का बात सुनकर देवी ने अपन को उस मुकाबले के बारे में बोला था, और उसी ने अपन को शहर जाने के लिए बोला। उसके सिखाए हुए गाने को गाकर ही आज अपन माँ का कर्जा उतारेगा। देवी को अपन कभी नहीं भूल सकता। इसे भगवान के चरणों से छुआ कर लाई हूँ, ये तुम्हें बराबर मेरी याद दिलाएगा। इसे कभी अलग मत करना। राजगढ़ वाले उतरिए। माँ। मुरली। माँ। ये पकड़ रहे। माँ। कहाँ? पहले तू इधर आ। अरे कहाँ ले जा रहे? चल मेरे साथ। चलो माँ, अपुन के महावीर बाबू का ब्याज और मूल मिला के 1,00,000 रुपया। मुँह पे मार इसके। माँ, अपुन ने अपना कर्जा चुका दिया, तुम्हारा कर्जा अभी भी बाकी है, उसको तुम अपने हाथ से चुका दो। अबे ओ महावीर, अब खुद बोल कि अपुन एक मर्द है। अबे चुप। मेरे बाप पर हाथ उठाकर तू जिंदा रह पाएगा, तुझे यहीं दफन कर दूंगा। माँ, तू 2 मिनट के लिए इधर बैठ, घबराने का बात नहीं है, बैठ। Come on.
बागर साहब, आखिरी टाइम में अपनी कमाई हुई दौलत नहीं, पैदा किया हुआ औलाद काम आता है। आज के बाद दौलत को छोड़कर अपने बेटे को अच्छी तरह पालना शुरू कीजिए। कैसा लगा तेरे को? सुपर बेटे, इसके बदले गधा पैदा करता तो वो बोझा तो ढोता। देवी शहर जाने के दूसरे दिन बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें शास्त्री जी का घर डूब गया, जिसमें शास्त्री जी और देवी दोनों ही मारे गए। देवी की याद में खुद को तड़ पाएगा। कल सुबह दूसरी बार टेलीफोन आया था, फौरन चलना होगा। तुम्हें एक गायक के रूप में देवी देखना चाहती थी, उसकी इच्छा पूरी होगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तू यहाँ गांव में रहेगा तो देवी की यादें तेरे जीवन को नष्ट कर देंगी। मेरा बेटा जीवन को बर्बाद करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को जीवन देने वाला है। हम कल ही शहर जाएंगे, तेरी माँ की यही इच्छा है। ठीक है माँ। शंकर तुम आ गए, तुम्हें नहीं मालूम कितनी पार्टियों ने तंग कर दिया था मुझे। जय गणेश। केसेट की सेल तो दिन पर दिन बढ़ रही है, पर कंपनी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। परसों जो गाना हमने रिकॉर्ड किया था, आज सुबह से दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर से फोन पे फोन आ रहे हैं कि नया गाना बहुत अच्छा है, पर हमारा माल गोडाउन में पड़ा है और मार्केट में गाने का कैसेट बिक रहा है। तुम इसका पता लगाओ। संगीत का जो टैलेंट है तुम में, उसी टैलेंट को अगर बिजनेस में भी दिखाओ तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। तुम बिना हिचक आज से इस कंपनी को पूरी तरह संभालोगे। क्या है मिस्टर राजन जी? वो साहब के साथ जाओ जाओ। पिछले बरस तो हमारे डुप्लीकेट कैसेट बहुत बिके थे, करीब 30 लाख रुपए मिले थे। अब वो पहले जैसा थोड़ी है मिस्टर सिंह। शुरू शुरू में तो गवाह जाहिल जैसा था, लेकिन अब वो पढ़ा लिखा स्मार्ट बन गया है। सुनिए साहब, उसे जिंदा छोड़ा तो हम सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा।
उसके हाथ में ही हमारा भविष्य है। कोई मेहनत से संगीत बनाता है जिसमें कोई उसके मेहनत का पैसा लगाकर कैसेट बनाकर बेचता है। तुम कुछ किए बिना उसके पेट पर लात मारकर बेईमानी से कमा रहे हो, यह किधर का इंसाफ है? अब उनकी माँ हमेशा बोलती है, बेटा तुम जीवन में अगर शांति चाहता है तो दूसरों की दौलत को कभी छूना नहीं और पराई औरत पर कभी हाथ रखना नहीं, जल जाएगा। तुमने तो सिर्फ हाथ ही नहीं रखा, डुबा भी दिया। सही कहा ना? चलो पुलिस स्टेशन चले। पुलिस स्टेशन? पहले यहां से बाहर तो निकल। ये क्या, गुंडों को भी पाल रखा है? ये सब अच्छी बात, चल मान जा। इधर देख। खून नहीं निकला ना? नहीं नहीं निकलेगा, चाकू चला ही नहीं, अब बहेगा खून। चाकू छुरी वगैरह अपने पास रख के कोई फायदा नहीं होता, पहले इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब देख बच्चे, कैसा लगा तेरे को? ए, तोड़ डाल। अबे घबरा गया क्या? अभी देख स्टाइल बदलता हूं। किसका नाम लिया? शंकर। कौन शंकर? वही गायक शंकर, वो हराम ज्यादा शंकर, उसका ही खून पीने के लिए मैं जिंदा हूं। हम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं गजराज, तो मिला हराओ हाथ। ठीक है, सुनिए अंतरा पहले कर लेते हैं, अनाउंसमेंट कीजिए। 1 2 3 4 हाँ टेक कर दे।
नमस्ते। क्या बात है, वेरी गुड, सारे संगीतकार दीवाने हो गए। मन में मेरी जान बसा लूंगा तुझको, तू भी अपने होठों की शबनम पिला देना मुझको, मेरा पान बनाने को अलग खिला दे तू मुझको, फिर मैं अपने होठों की शबनम पिला दूंगी तुझको। प्यार हो तो प्रेमी की बातें पूरी करनी होती है सनम, सजनी की बातें भी थोड़ी पूरी करनी होती है बलम, दिल में जो है अरमा तेरे मैं करूंगा जरूर, मेरा पान बना रे तू अलग खिला दे तू मुझको, दिल में अपने होठों की शबनम पिला दूंगी तुझको। हंगामा हंगामा हंगामा, मैं हूँ पूरी मस्ती में, आजा कर दे हंगामा, धीमी उड़ाई है नींदे तूने, हाँ हो हाँ, अरे धीमी उड़ाई है नींदे तूने, मेरा जीना भी कर दिया मुश्किल तूने, हाँ दिल में कुछ कुछ होता है, होता है होता है होता है, गोरी तुझको छूने से, छूने से छूने से छूने से, दिल में कुछ कुछ होता है गोरी तुझको छूने से, मैं भी दीवाना हूँ थोड़ा थोड़ा, हाय मैं भी दीवाना हूँ थोड़ा थोड़ा, तू भी मस्तानी है थोड़ी थोड़ी, आहा तेरे मन में मेरी जान बसा लूंगा तुझको, तू भी अपने होठों की शबनम पिला देना मुझको। ओके फॉर यू सर, ओके थैंक यू। अच्छा डैडी घर चले बेटी? हाँ चलो चलो।
आओ शंकर आओ बैठो। कोई जरूरी बात है क्या? बहुत जरूरी बात है। बोलिए। मेरी रूपा शादी के लिए मान गई। बहुत खुश हुई। लड़का कौन है? मजाक नहीं, आज तक तुमने मेरी रूपा को समझा नहीं। जिस दिन तुम्हें चांस देने के लिए मुझसे जिद कर रही थी उसी दिन मैं समझ गया था। आज उसने खुद मुझसे कहा अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ तुम ही से। क्या सोचने लगे? मेरी एक ही तो बेटी है। रूपा के बारे में तुम सब जानते हो, मेरे बताने की जरूरत नहीं। तुम हाँ बोल दो, बाकी बातें तुम्हारी माँ से मैं कर लूंगा। सर मैं आपको कैसे बोलूं, नहीं जानता। क्या है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। दया करके रूपा के लिए कोई और लड़का ढूंढ लीजिए। शंकर मुझे माफ कर दीजिए। बेटी रूपा, रूपा मेरी बात सुनो बेटी, रूपा मेरी बात सुनो बेटी, रूपा रूपा दरवाजा खोलो बेटी। तुम्हें मेरी कसम है बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना तेरा डैडी मर जाएगा। डैडी, डैडी। गंगा बहन, मेरे रूपा का स्वभाव तो आप जानती हैं। अपने हर जिद को वो पूरा करती आई है। उसने शंकर से शादी करने का फैसला किया है। मेरी समझ में नहीं आया पर शंकर ने साफ इनकार कर दिया। वो तो अपनी जान दे देती। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया है। मेरी आपसे विनती है शंकर को रूपा से शादी करने के लिए आप राजी करवाइए। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ फिर भी आपके पास नहीं, नहीं। आप ऐसा मत कीजिए, इत्मीनान रखिए, मैं उससे बात करूंगी। मैं एहसान मंद रहूं। काफी हो गई, तुम सोई नहीं? नहीं बेटा, तुम्हारी राह देख रही थी। क्यों माँ? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो। आज शाम को रूपा के पिताजी मुझसे मिलने आए थे। बेटा मेरी बात कभी टालता नहीं, ये सोचकर तुमसे पूछे बिना तुम रूपा से शादी करोगे ऐसा वचन मैंने उन्हें दे दिया है। अपने माँ के दिए वचन को निभाना ना निभाना तुम्हारे हाथ में है बेटा। तुम्हारी बात क्या कभी टाली है? रूपा, रूपा हाँ? क्या है माँ? क्या वो ऑफिस से अभी तक नहीं आया? नहीं माँ, जरूर कोई अर्जेंट रिकॉर्डिंग होगी। देवी माँ ने खुद अपना ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दिया। हमारी शादी देखी, जब तक तुम उसे सामाजिक रूप से शादी नहीं कर लेती तब तक मैं इसे अपने गले में पहने रहूंगी। माँ तुम? शंकर जो तू झेल रहा है मैं जानती हूँ, फिर भी एक बात बताती हूँ तुम्हें। पति पत्नी सच्चे मन से एक दूसरे से प्यार करते हैं तभी जीवन सुखी रहता है। मन वचन और कर्म से प्यार ना करके एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। तू देवी को मन में बसाकर रूपा को भूल रहा है, ये तू रूपा के साथ बड़ी बेइंसाफी कर रहा है बेटा। सोच कर देख, तुम्हारी पत्नी रूपा किसी पराए मर्द को मन में बसाकर
तेरे साथ रहे तो क्या तेरा मन नहीं तड़पेगा? कब आए ये पता ही नहीं चला। मैं सो न जाऊं इसलिए आपकी रंगोली बना रही थी। देखिए तो कैसी बनी है। आपको आकर काफी देर हो गई, मैंने बहुत इंतजार करवाया क्या? मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया रूपा। तुम मुझे इस घर चाहती हो, ये मैंने जाना नहीं रूपा। अब तो जान गए ना आप। शंकर 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 लोचा हो गया ला भाई, गांव वाली भाभी जिंदा है। क्या आपको कहां मिले? बेटे मैं एक वैद्य हूं, जमुना नदी के किनारे ही मेरा घर है। एक दिन नदी किनारे ये लड़की बेहोश पड़ी थी। बाढ़ में फंसकर दिमागी चोट के कारण ये अपनी याददाश्त खो बैठी, इसलिए ये अपने बारे में कुछ भी बता नहीं पाती थी। हर समय गुमसुम रहती थी और कभी कभी बेहोश हो जाती थी। एक दिन रेडियो पर इसने तुम्हारा गाना सुना। सुनते ही इसकी याददाश्त वापस आ गई। उसके बाद ही
मैं जान सका कि ये कौन है और तुम्हारे साथ इसका क्या संबंध है, इसने सारी बातें बता दी, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास ले आया। मिस्टर शंकर, इनकी केस हिस्ट्री जानने के बाद मैं खुद हैरत में हूँ। इट इज अ मेडिकल मिरेकल, बट उनकी मेडिकल कंडीशन डेलिकेट है, यही कारण है कि वो आपको देखते ही बेहोश हो गई। प्लीज, थैंक यू। इस कंडीशन में उनकी देखभाल सावधानी से करनी होगी, हद से ज्यादा खुशी या छोटी से छोटी तकलीफ भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी कोई बात हुई तो वो दोबारा याददाश्त खो बैठेंगे या फिर उनकी जान भी जा सकती है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब कैसी है? ठीक है, तुम माँ को लेके गेस्ट हाउस में आओ। किस लिए? जैसा कहा वैसा करो। ठीक है। आ बेटा। माँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ एक मेहमान है। मेहमान कौन है बेटा? खुद ही देख लो। हे भगवान, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, ऐसी बात मत करो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? एक बेटे के लिए जो माँ कर सकती है वही तुमने किया। देवी जीवित होगी ये ना तुम्हें पता था ना मुझे, ये सब विधि का विधान है, सब किस्मत का खेल है। नहीं बेटा, सारी घटनाएं देवी को बता दो, वो तुम्हें कभी गलत नहीं समझेगी। देवी से बोल तो दूंगा, लेकिन अभी वो सच को सुनकर बच न सकेगी, उसके दिल को जरा से भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। रूपा से सच बोल दो, लेकिन उसका जिद्दी स्वभाव तुम्हें मालूम है, वो नहीं मानेगी, ये सुनकर वो खुदकुशी भी कर सकती है। ये क्या माँ, मुझे हिम्मत देने वाली खुद ही टूट गई। तुम सदा यही बोलती थी ना, कैसी भी मुसीबत आए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने कोई पाप नहीं किया, भगवान देखेगा हमें, हिम्मत रखो माँ, कुछ नहीं होगा। तुम देवी से खुद बोल दो। अबे क्या बोल रहे हैं? देवी के तुम कौन हो? पतिदेव। मुझे मालूम है, देवी के नजर में तुम मुरली हो। मुरली कैसा इंसान है? अपुन की तरह हंसी खुशी से जीने वाला इंसान, तुम भी अपुन की तरह बन जाओ। वो तो ठीक है यार, लेकिन देवी को रूपा की शादी के बाद कैसे बताऊं? अब आया कोपचे में। देवी बहुत ही सीधी सादी है और पूजा पाठ करने वाली औरत है, उसे वैसे समझाना है। अगर अपुन बताया वैसे किया तो सुपर आइडिया है। क्या है? हे भगवान, अपुन पे दया करना। हे ईश्वर, अपुन पे दया करना। हे भगवान बालाजी। गोविंदा गोविंदा। हे भगवान भोले शंकर। हरिओम महाराज। जय जय शिव शंकर। बम बम भोले। कार्तिक, पल्ली, देवसेन, दो पत्नियों वाले। दो पत्नी, ये वाली पहली पत्नी, वो दुर्गा देवी। महेश्वर, पार्वती, सिर पर गंगा, दो पत्नी। दो पत्नियां? कृष्णा कृष्णा, ये राधा। रुक्मणी, रुक्मणी, दो पत्नियां, दो पत्नी। मेरे भगवान तिरुपति बालाजी है। पद्मावती, माधुरी। नहीं यार, भूदेवी, दो पत्नियां। सच में? हाँ। गुरु, क्या मुझे एक संदेह है। क्या? इन सभी भगवानों ने दो दो पत्नियां क्यों रखी है? मालूम नहीं क्या? नहीं। दुनिया में सब दो दो हैं। हाँ? मर्द औरत। हाँ? सुख दुख। हाँ? रात दिन, ऊपर नीचे, सूर्य चंद्र, आग पानी, क्योंकि सब दो दो हैं। अपुन के भगवान ने क्या बोला मालूम? ए बिड़ू, तू क्यों एक पर लटकेला है? अपुन के समान दो दो बीबी के साथ आराम से रहने का, ऐसा अपुन को प्राइवेट में बोला। भगवान की लीला निराली है। क्या बोलती सिस्टर? पहले तो इन दो पत्नियों वाले फोटो को यहाँ से हटा दो। श्री रामचंद्र जी का ही फोटो सिर्फ यहाँ रहेगा। मेरे पति श्री रामचंद्र समान है, एक पत्नी वाले, है ना जी?
गुरु पहले ये बताओ कि आज तक तुमने किसी को अच्छा आइडिया दिया है? गुरु चले आज के बाद तो आइडिया बोला। गोविंदा तुम्हारे भक्तों को क्यों ऐसा होता? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब पेंटिंग किया। गोविंदा गोविंदा हस्त जीवन से अच्छा है वैराग्य जीवन। चलो काशी यात्रा। मैं बुढ़ा हो गया हूँ क्या जो काशी यात्रा जाऊँ? मैं तो सुहागरात मनाऊंगा। मैंने
अब तो मुझको ना कर प्यारी लगे रानी प्यारी लगे फुलानी मेरी लगे प्यारी मुझे प्यारी लगे रानी प्यारी लगे रातों की रानी मुझे प्यारी लगे प्यारा लगे राजा प्यारा लगे रातों का राजा मुझे प्यारा लगे दो पत्नी वाले भगवान की फोटो दिखाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। पास के थिएटर में एक फिल्म लगी है उसमें गोविंदा की दो औरतें हैं। तुम ऐसा करो कि एक तरफ रूपा एक तरफ देवी शान से हाथ रखकर फिल्म दिखाने का फिर उनका मन बदल जाएगा। हाउ इज इट? हेलो कौन? रूपा मैडम बड़े साहब का ऑपरेशन हो गया क्या? क्या परसों आ रही है? अभी काहे को आने का? दो महीने बाद आने का? अमेरिका में गेहूं बहुत सस्ता है डट के खाने का। हेलो रूपा, ऑपरेशन कामयाब हुआ? वेरी गुड वेरी गुड। पापा को प्रणाम बोलना। हाँ हाँ मैं एयरपोर्ट पे मिलूंगा। हाँ हाँ एक आइडिया भी गुरु। चले अब मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए। रूपा बस लौट आए फिर चाहे वो नाराज हो तो भी उसे बिना कुछ छिपाए सब साफ साफ बोल दूंगा, यही ठीक रहेगा। I want to fly up to the sky. साहब आपके लिए अलग कमरा तैयार करके रखेला है, दो डॉक्टर दो नर्स दो आया सब दो दो। आए, क्या मुझे बीमार समझ रखा है? बाईपास सर्जरी के बाद 30 साल का जवान हो गया हूँ। अब तो टेनिस खेलूंगा फुटबॉल खेलूंगा और डांस करूंगा। I am disco dancer. पापा डांस करेंगे अपन रोमांस करेंगे चल। दो महीने हो गए ना। रूपा तुमसे जरूरी बात करनी है। ये क्या? आते ही बेडरूम में घसीट लाया मुझे। पापा देखेंगे तो क्या सोचेंगे बोलो? दो महीने हम अलग रहे इसलिए देखते ही बेकरार हो गए। कौन मैं? हम पति पत्नी है तो क्या हुआ इस तरह सबके सामने ले आया मुझे। खैर कोई बात नहीं आओ। रूपा तुम्हें एक जरूरी बात, बहुत जरूरी बात है। अरे हाँ मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है कि? लेकिन मेरी बात बहुत जरूरी है। मुझे भी एक बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरी फ्रेंड बबीता है ना? कौन वो छिपकली? पता है ना वो शादी करके अमेरिका में अपने पति के साथ है। जानता हूँ। एक दिन मैंने देखा कि उसका पति किसी और औरत के साथ घूम रहा था। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने जाकर बबीता से सब कह दिया। फिर वो मुझे पूछने लगी अब क्या करें। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? रिवॉल्वर निकाल सिर्फ दो गोलियां जिश्याओ जिश्याओ शूट कर दो। उसने शूट किया दिल में क्लोज। इन लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए तभी इन्हें सबक मिलेगा। हाँ बिल्कुल। आप कोई जरूरी बात बताने वाले थे वो बात क्या है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा माँ कहाँ है? वो गांव। हाँ आप आजकल गेस्ट हाउस में सोते हैं ऐसा क्यों? वो क्या के दूसरा यूनिट स्टार्ट किया ना। दूसरा यूनिट? नई मशीन है? हाँ नई मशीन है। अच्छा काम करती है? हाँ अच्छा काम करती है। क्या पुराना यूनिट अच्छा काम नहीं करता? ये यूनिट भी अच्छा काम करता है वो यूनिट भी अच्छा काम करता है दोनों यूनिट को संभालने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है ना इसलिए। क्या जी आप अपने दिमाग और ताकत के बल पर 2 या 10 यूनिट संभाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो उस यूनिट के लिए किसी और को रख। नहीं मैं संभाल लूंगा। अच्छा। पापा बुला रहे लगता है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उस शंकर ने। कहीं भी जाता हूं कोई इज्जत नहीं करता मेरी। क्या किया तूने? जेल से निकलने के बाद उसका कीमा बना दूंगा कह रहा था। हाँ बोल क्या किया तूने? उसे खत्म करने के लिए अब उनको बस कुछ लम्हे काफी है। फिर दे क्यों? खत्म कर दो उसे। जब से पैदा हुआ इस गजराज पर किसी ने हाथ नहीं उठाया
मगर उसने अपन पर हाथ उठाया और सलाखों के पीछे करवा दिया। लेकिन मैं उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजूंगा, सजाए मौत दूंगा, तब जाके अपन कचराज कहलाएगा। ये क्या मुझे पंडितों जैसा पहना दिया है, पीछे लटक रहा है, माथे पर लकीरें खींच दी। को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, मुहूर्त का समय हो रहा है। शादी तो उस दिन देवी के सामने हो चुकी ना। मैंने उस दिन कहा था ना, देवी के सामने होने पर भी पुरोहित से अग्नि साक्षी कर मंगलसूत्र पहनूंगी। टाइम हो रहा है, चलिए ना। मंगलसूत्र नहीं पहनते? हां नहीं पहनाते। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, बकवास मत करो, टाइम हो रहा है, चलिए ना। घड़ी निकाल। घड़ी नहीं है मंदिर में, घड़ी की क्या जरूरत है? एक मिनट इधर उधर हो गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। तुम जाकर कार में बैठो। आओ खान, आओ, मैं अकेले खेल रहा हूँ, दोनों मिलके खेलेंगे। आओ। हाँ जरूर खेलेंगे। डैडी मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हाँ अपन भी चलते हैं, लेकिन कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर। ओ, 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 ये क्या मंदिर जाते समय टोक रहे हो? नहीं आज गुरुवार है इसलिए साईं बाबा के मंदिर चलते हैं, चलो। डैडी की सेहत के लिए बिरला मंदिर में ही मन्नत मांगी। इतनी दूर क्यों, पास ही गणपति का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, इसका मंदिर है, उसका मंदिर है, सबका मंदिर है। कहा ना मैं बिरला मंदिर जाऊंगी तो बिरला मंदिर ही जाऊंगी। सिस्टर ठीक से सोच लिया ना, आज तुम अपना राधा नहीं बदल सकती। ओए तबले, रूपा ने जो सोच लिया उसे बदलने वाली नहीं। अब चलो बिरला मंदिर ले जाओ उसे। ओह गोविंदा गोविंदा। इसे हाथों में बांधकर तीन बार परिक्रमा करने से मंगलसूत्र का प्रभाव बढ़ता है। किसने बोला? पंडित जी ने बोला। आपने आइडिया दिया। जी जजमान, बहुत अच्छा आइडिया, धन्यवाद। अब क्या करना है? उंगली उंगली से उंगली ये वाली। अब अग्नि के तीन फेरे लगाइए, जो दक्षिणा देनी हो दे दे। बहुत दे देंगे, बहुत अच्छे। गोविंदा 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 गोविंदा। भक्ति बहुत जाग रही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। गोविंदा गोविंदा बागले गोविंदा गो। पंडित जी हो गया, आप निकाल दो। अब क्या मंत्र बोलना है? हाँ तो बोलो ना। आपको मुझे अग्नि देवता, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, सूर्यो देवता, महादेवता, वायु देवता, जल देवता, वायु देवता, गणपति देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, सब देवता जगरो। क्या बक रहे हो? गोविंदा, अरे गोविंदा, अरे गोविंदा, गोविंदा देवता। हो गई शादी, हो गई ना शादी। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। ओह तो रोक नहीं सकते क्या? कैसे रोक सकता हूँ, बहुत जल्दी है। लेकिन मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दो मैं अभी आया। लेकिन सुनिए तो, हाथ पांव धोकर आना। अभी रुको, मैं आपको गोविंदा 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 बोला था उसको, यहाँ पर ना क्यों लेके आया तू उसको? इधर बोल, क्यों लेके आया इसको? मैंने कितना समझाया लेकिन इसने मंदिर में आने की जिद पकड़ रखी थी उसने। मैं क्या करता? अब क्या करूँ? तू एक काम कर, तू उसको संभाल, मैं देवी को यहाँ से लेकर निकल जाता। अच्छा गोविंदा गोविंदा भगवान मेरी रक्षा कर, गोविंदा 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 गोविंदा। इसको देखो कैसी भक्ति कर रहा है। ओह उसकी धोती निकल गई है, जाकर कहो ना ड्राइवर कहाँ मर गया? अरे चंद्र क्या कहा? क्या वो कार में कौन? मेरे पति दूल्हे की कपड़े में किसी और औरत के साथ जा रहे तो है। ऑफिस में बहुत काम पड़ा है, वो तो ऑफिस में है। नहीं खान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वही थे। बहुत अच्छा, देख लिया ना। ये क्या कर रहे हो तुम?
ऐसा टाइम आने पर आप उनको पागलपन सवार हो जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने जिसको देखा वो तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारे पति जैसा कोई दूसरा है। ये क्या कह रहे हो? एक दिन मेन मार्केट में तुम्हारे पति का हमशक्ल देखा, मैंने शंकर समझकर उसकी पीठ पर हाथ रखा, उसने धाड़ से मारा, बोला आजकल पॉकेट मारता है। बाद में अपन को मालूम पड़ा वो शंकर नहीं कोई और है। सच्ची? हाँ, आपको बताना भूल गया था, अभी खुद देख लिया ना तुमने। लेकिन दो आदमी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अच्छा बोला, अच्छा बोला। यहाँ पर भी बिरला मंदिर है, दिल्ली में भी बिरला मंदिर है। यहाँ का बिरला मंदिर दिल्ली के बिरला मंदिर जैसा नहीं हो सकता, और दिल्ली का बिरला मंदिर यहाँ के बिरला मंदिर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ भी गोविंदा, वहाँ भी गोविंदा, यहाँ के गोविंदा वहाँ के गोविंदा जैसे हो सकते हैं क्या? वहाँ के गोविंदा यहाँ के गोविंदा जैसे हो सकते हैं क्या? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। उनका खुद का बैंड बज गया है। चलो आराधना करते हैं, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गणपति बापा मोरिया मोरिया। मुझे शक हो रहा है, मैं ऑफिस जाकर देखूंगी तभी तसल्ली होगी। तुम टैक्सी से चले जाओ। फिर वही टेंशन, ऑफिस जा रही है, जाइए। ओह, वो ऑफिस में नहीं घर में होगा, फोन करता हूँ। हेलो। अरे मैं खान बोल रहा हूँ। अरे वाह खान, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं बिल्कुल बच गया यार। बच्चे नहीं, बुरी तरह फंस गए हैं। रूपा ने देख लिया? तूने क्या कहा? कहा शंकर नहीं, शंकर के जैसा दूसरा आदमी है, ऐसा अपुन बोला। दूसरा आदमी? अब ऐसा क्यों बोला? जो भी हो अपुन नहीं जानता। रूपा तुम्हें देखने के लिए ऑफिस पहुँच रही है, तुम फौरन ऑफिस पहुँच जाओ। ऑफिस पहुँच रही है? बाप रे बाप, रूपा रूपा। अरे खान, तुम्हें कहाँ फंसा दिया? जल्दी पहन ले बेटा। सर, मैडम आ रही हैं। आ रही है? ओ, छोड़, ऐसे बैठ जाता हूँ। ओहो, तो आप यहीं पर हैं? क्यों रूबा, घबराई हो? व्हाट हैपेंड? अरे क्या कहूँ, बिरला मंदिर में बिल्कुल आप जैसा आदमी देखा। मेरे जैसा? जी हाँ। वो कैसे? मैं तो अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ। हाँ, वो बिल्कुल आप जैसे ही थे। हाँ। वो भी किसी और औरत के साथ। तब तो मुझे इतना गुस्सा आया। हाँ। अपने खान ने कहा कि वो कोई और है। हाँ। अपना शंकर नहीं। हाँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने सोचा कि एक बार ऑफिस जाकर खुद ही देख लेती हूँ। अब मुझे तसल्ली हो गई। हाँ। ये लीजिए बिरला मंदिर का प्रसाद। अब मैं चलती हूँ। और सुनिए, शाम को जल्दी आ जाइएगा। बाय। अरे खान, मरवा दिया, तुझे तो देख लूंगा मैं। देखिए जी, ये साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। और ये कैसी है? वेरी गुड। और ये भी बहुत अच्छी है। ये क्यों? तुम्हारे शरीर पर हर साड़ी अच्छी लगेगी, बिना साड़ी के तो तुम और भी अच्छी लगोगी। कैसा लगा? सुपर। जल्दी इसके पहले कि मेरी साथ में बेटी। हाँ? तुम खुद पसंद करो, जमाई के लिए मैं कोट सूट का ऑर्डर देता हूँ। ओके डैडी। क्यों भाई? जी जेंट सेक्शन यही है ना? यस सर। जमाई राज। जमाई राजा, शंकर रूपा के लिए साड़ी खरीदने आए हो? कौन शंकर, अंधा है क्या? चल फट। उठ जाओ। हाँ फट। ये आपको जमाई क्यों कह रहे हैं? लगता है कोई पागल है। चलो शंकर। हा? मैं पागल हूँ? कोई चक्कर जरूर है, अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। कौन है ये लड़की, कोई रखा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ बोला तो यही खून पी जाऊंगा। मैं एक पत्नी का पति हूँ, हमारे बीच संदेह पैदा मत करो। संदेह पैदा तुम कर रहे हो? तुम्हें अच्छा आदमी समझकर अपनी बेटी ब्याह दी। अरे जिसे अपनी छोकरी दी उसे जाकर पूछो ना, मेरा भेजा मत चाटो, मेरा नाम मुरली है। झूठ मत बोलो। आप शांत हो जाइए। नमस्ते। नमस्ते। पापा है तो इन्हें खींच के ले जाइए। बेटी देखा अपने पति का अन्याय? ये आपकी दामाद नहीं है, आप शांत हो जाइए। सॉरी सर, मेरे पति बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। really? हाँ। विश्वास नहीं होता ना डैडी, मैंने कहा था ना उस दिन मंदिर में मैंने इन्हीं को देखा था। गुड, अच्छे समय पर बचा लिया, नहीं तो मेरी पत्नी मुझे मार देती। ए, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये आपकी पत्नी है? हाँ, नाम देवयानी, देवी बुलाता हूँ। हाय, मैं रूपकला हूँ, लोग रूपा कहते हैं। नमस्ते। सच सच बताइए, आपके पति भी इनके जैसे दिखते हैं? मेरे जैसे? हाँ बिल्कुल। आश्चर्य है ना। महाराज, आई एम सॉरी मुरली, जरा मेरे साथ इधर आइए। नहीं, बहुत बोर हो चुका हूँ। फिक्र ना करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, इनको साड़ी लेनी है। हाँ, अरे वो खरीद लेगी। आप जरा इधर आइए। विश्वास ही नहीं होता। मेरी
पापा से कोई गलती हो गई हो तो मुझे बोल दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरी ना खोजे। मंजिलों की किरण ढूंढे, खोई खोई तेरी आंखें। ये गाना कैसा तुम बताओ? ये भी कोई गाना है? ये गाना तुम नहीं जानते? सच में मुझे नहीं मालूम, मुझे माफ करो। चल निकल। सुनिए जी, रूपा जी मुझे बहुत पसंद आई। डैडी मुझे भी देवी बहुत पसंद आई। अगले संडे आप लोग हमारे घर खाने पे आएंगे, ठीक है? हाँ, जरूर आऊंगी। जरूर आऊंगी। उन्होंने बोला तुम राजी होगी? अपने घर खाना नहीं है क्या? ये ठीक नहीं है, वो अपने घर खाएं, हम अपने घर खाएं। रूपा ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। तुम और मेरा जमाई दोनों पास पास बैठ कर दोनों एक साथ खाना खाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पास पास हम दोनों, ये कभी नहीं होगा। हम अपने घर। चुप रहिए ना, हम आएंगे। मैं इन्हें लेकर आऊंगी। अपने पति को भी घर पे रोक कर रखना। हम चलते हैं। अच्छा रूपा चलते हैं। तो इजाजत है, चलता हूँ। ए जमाई, मुरली। हाँ। बेटी मुझे इस मुरली पर जरा शक हो रहा है। डैडी अगले संडे आपका शक दूर हो जाएगा, अब चलिए। ऐसा है क्या? हाँ। चलो। हाय। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? आइए आप दोनों का ही इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, मैं औरों की तरह नहीं हूँ। अपना वचन ही वचन, समय यानी समय। अपने जमाई राजा को जल्दी बुलाइए क्योंकि मुझे फौरन जाना है। मैंने बोल दिया अपना वचन मतलब वचन, समय यानी समय। बैठिए। सुनिए मैडम, मैं भूल से भी अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ओल्ड इंडियन के माफिक। लाइक मी? नो, ओल्ड इंडियन के माफिक। अपने पति को जल्दी बुलाइए ताकि उनसे मिलकर खाकर मैं जा सकूं। किसी काम में फंसे होंगे, शायद सेकंड यूनिट। बड़ा मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी। आओ चले। जरा चुप रहिए, जितना भी टाइम लगे आज मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। अब चुपचाप बैठिए। ठीक है। बीवी से बहुत डरते हो? थोड़ा। बात है तो आश्चर्य की, लेकिन फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका पैदा हो रही है। हाँ बीवी, मुझे भी। हम दोनों के पति बिल्कुल एक जैसे हैं, यकीन ही नहीं होता। तुम्हारी शादी कब हुई? अच्छे समय पर। मेरी बेटी की भी। सुनो देवी, तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्या? यहाँ आओ। मेरे पति ना बड़े ही रोमांटिक है। खाने में तुम्हें क्या पसंद है? लौकी। मेरे शंकर को करेला। जाओ जाकर चेक करो। तुम भी लो। अरे शर्माती क्यों हो? जाओ ना। जाओ। अच्छा, काम क्या करते हो? छक मारता हूँ। अच्छा काम है। प्लीज प्लीज जाओ ना, अगर ऐसी बात है। हाँ जाओ। ए जी। हाँ चले क्या? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक, नमस्ते। चुप रहिए ना, आपका बेडरूम कहाँ है? ऊपर है। बेडरूम में क्यों जाना? मैं बताती हूँ। किसी और का? चलिए ना। बेटी क्या हुआ? चलिए ना। किसी और के बेडरूम में लेके जा रही हूँ। चलिए, मैं बता रही हूँ। क्या बोलूँगी? What is this? पागलपन की भी हद होती है। ऐसे पूछ रहे हो बेडरूम कहाँ है, वो भी अनजान घर में। मैं आपको यहाँ क्यों लाई हूँ उन्हें अच्छी तरह मालूम है। उनको मालूम है? मुझे तो ये पागलों का घर लगता है। चुप रहिए, पहले पैंट उतारिए। क्या? पैंट उतारिए। पैंट उतारू? क्या मजाक कर रही हो? मैं पैंट वैंट नहीं उतारूंगा। आप निकाल दो। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? देवी देवी मेरी बात सुनो, पागल मत बनो, पैंट मत उतारो। सुनो मेरी बात कर रही हो? चलो देखो ये किसी निशान नहीं है। निशान नहीं है? देख लिया रूपा, मैंने देख लिया, अच्छी तरह देख लिया। निशान नहीं है, ये अपना शंकर नहीं है। कोट पहन कर अपने आप को बड़ा आदमी कहते हो, शर्म नहीं आती? लोगों को खाने पर बुलाकर पैंट उतरवाते हो, चड्डी उतरवाते हो और न जाने क्या क्या उतरवाते होगे। रुको जमाई राजा। ए जी। मुरली सुने, दुनिया में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि खाने पर किसी को बुलाकर उसकी पैंट उतरवाई गई हो? आपने कभी ऐसा सुना है या देखा है? नहीं बेटा, तुम दोनों एक ही हो या अलग अलग हो यही देखना था। चलो हमें खाना वाला कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं उन्हें देख कर ही जाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो, शहर के हवा लग गई है तुम्हें, तुम यहीं पे मरो। सुनिए अजी, सुनिए ना। रूपकला देवी जी, इसे ये आइडिया आप ही ने दिया है। चुप रहे। आप जैसी दो चार औरतें और हो जाएं तो इस देश का गोविंदा। कुछ मत बोल। चुप। सुनिए तो। ए जी ये क्या, वो गुस्सा होके जा रहे हैं। वो ऐसे ही हैं, रात होती ही पूरी तरह शांत हो जाते हैं। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सर जल्दी आओ, खोल जल्दी। अरे जल्दी, भगवान करे ऐसी किसी की हालत ना हो।
अरे ये तुमने लगाया? हाँ यार। पैंट भी उतरवाया? हाँ यार। चड्डी भी? छी, रूपा के बारे में मालूम था इसलिए सेटअप करके गया था, सब सक्सेस था। जल्दी ला। अबे जल्दी से मेरा ब्रीफकेस ला, अबे जल्दी ला, ले जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा, हाँ इस तरफ चल, गाड़ी चला। लो मेरे पति आ गए। सारे अपन थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहती थी ना मुरली की वाइफ देवी ये वही है, मेरे हस्बैंड शंकर। हेलो हेलो। नमस्ते। बहुत ही आश्चर्य की बात है, आप बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। क्या कहा? पति। ओह पतिदेव। रूपा इज नॉट टेलिंग अबाउट हिम, आई वांट टू मीट हिम बट आई एम वेरी बिजी। एनीवे वेयर इज ही? वो आपके वो किधर है? ओह पति। हाँ पतिदेव। वो तो शंकर। नमस्ते रूपा, ये अपना शंकर है, वो चला गया गुस्सा होकर। क्या हुआ क्या हुआ? एक छोटा सा शक था। क्या संदेह? तुम थोड़ा इधर आओ, मैं बताता हूँ। तुम्हारे दाएं जांघ पर निशान है, ये रूपा ने मुझे बताया। दाएं जांघ पर निशान होने वाले के पीछे औरतें भागती हैं। अपुन के दाएं जांघ पर तिल है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वो तुम्हारे जैसा है इसलिए देवी उसे कमरे में ले जाकर पैंट उतरवा कर उसने निशान देखा। मैंने खुद दरवाजे के की होल से झांक कर देखा, निशान नहीं था। मैं बहुत खुश हुआ। फिर तो उनकी जांग पे तिल है कि नहीं देखने का दिखाऊं क्या? हाँ? नहीं बेटा नहीं। फिर क्या संदेह? तुम दोनों हम शक्ल हो, फिर क्यों संदेह नहीं होगा हमें? सृष्टि करता ब्रह्मा से पूछे, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। संदेह की बात थी तो आमने सामने कर लेते, दूसरे को अपने घर बुलाकर बेडरूम में ले जाकर इसे उतारो उसे उतारो, छी 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 छी। अगर मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता। वेरी बैड वेरी बैड। अब हम दोनों की फिक्र ना करें आप, हम दोनों खुद ही मिल लेंगे आप। ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ए रूपा, वो तो गुस्सा होकर चले गए। वो तो ऐसे ही है, रात को पूरी तरह शांत हो जाएंगे। चलो खाना खाते हैं। हाँ चलो। दोनों लोगों को एक साथ नहीं देखा, कंफ्यूजन है। ये शंकर ये मुरली, कैसा लगा? वेरी गुड। इसकी एक कॉपी रूपक दे दो, दूसरी कॉपी देवी को दे दो। हाँ, सारा शक दूर हो जाएगा। हाँ, ठीक है ठीक है। क्या हाल है प्यारे, मजे से हो ना? बड़े आदमी हो गए हो, भूल गए क्या? तुम इधर काय को आया, क्या काम है तेरा? डुप्लीकेट कैसेट्स बनाने की सख्त सजा काटी है मैंने। तुम्हें डुप्लीकेट पति बनने के जुर्म में कितनी सजा होगी नहीं मालूम ना, यही समझाने आया। क्या मतलब? सुनो शंकर, तुम्हारे मतलब की बात है। तुमने यहाँ दो औरतों से अलग अलग नाम से शादी की, ये बात मुझे पता है। देखो तुम हंसी खुशी से रहो, मुझे कोई गम नहीं, पर मेरा भी कुछ ख्याल करो। आजकल मुझे पैसों की बहुत कमी है, मुझे 50 लाख रुपया दे दो। तुम भी खुश मैं भी खुश, कैसा प्लान है? ये मुरली, ये शंकर, मैं। कैसा लगा तेरे को? बट मेरे समझने में भूल हो गई। क्या हुआ शंकर? दो औरतों से शादी करके अलग अलग रह रहा है, ये खुद देखा मैंने। सोचा उसे ब्लैकमेल करके कुछ रुपए निकालूंगा, पर अपनी किस्मत ही धोखा दे गई। शंकर के माफिक दूसरा आदमी भी है। तूने इसे देखा है? देखा है, ले तू भी इसे देख। दास कलर लैब। दम घुट रहा है सर। बोल दे बच्चे वरना ऊपर चला जाएगा। तो बताता हूँ, दोनों एक ही है सर। उसने मुझको ऐसा बनाने को कहा, मैंने बना दिया सर। किसी को बताने से मना भी किया सर। इस फोटो से मैं शंकर के परिवार को तबाह कर दूंगा। नहीं, एक अच्छा आइडिया है पुलिस।
शंकर से मिलता जुलता है ना? मिलता तो है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या किया तूने? मार डाला इसे। इसके बदन पर शंकर के कपड़े पहनाकर, उसका विजिटिंग कार्ड इसकी जेब में डालकर ट्रेन आने के वक्त रेलवे लाइन पर सुला दो। बहुत खूब, समझ गया। बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मरेगा शंकर, खूनी होगा मुरली। शंकर के पैसों के खातिर मुरली ने शंकर का खून करके उसकी लाश को रेलवे पटरी के आगे डाल दिया, ऐसा पुलिस को बोलना होगा ना? ओ, बहुत दिमाग वाले आदमी तुम। करो चलो, कम ऑन। इंस्पेक्टर, यही है मुरली, फौरन इसे अरेस्ट कर लीजिए। पापा ये सब क्या? चुप! मेरे दामाद शंकर को मार डाला तूने, और खुश शंकर बनकर मेरी जमीन जायदाद हथियाने की कोशिश में मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। पापी, पैसा मांगता मुझसे तो तेरे मुंह पर फेंक देता। आपके दामाद शंकर को मार डाला? नहीं, सच बताना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। वो शंकर, अब इसकी बातें क्या सुन रहे? ले जाइए इसे। आप खून करेंगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। इंस्पेक्टर, मुरली भी मैं हूँ, शंकर भी मैं ही। क्या? यही सच है इंस्पेक्टर, ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। मुझे सिर्फ एक दिन छोड़ दीजिए, दुश्मनों का भेद खोलकर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। भाई, ये सब क्या है? तुम एक काम करो। का खून कर दिया? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं रूपा, तुम्हारा पति जिंदा है। और मेरी पति? तुम्हारा पति भी खूनी नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे सुनकर चकित मत होना। मुरली भी मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ। शंकर, तो आज तक आप झूठ बोल रहे थे। ये सब भाग्य का खेल है देवी, मेरी बातों को सच मानो। माँ का कर्ज चुका कर हम दोनों की शादी की बात करने तुम्हारे घर गया था, तभी पता चला तुम और तुम्हारे बाबा दोनों बाढ़ में मारे गए। उस वक्त जो मेरी हालत हुई है कह नहीं सकता। किसी प्रकार मुझे समझा बुझा कर मेरी माँ मुझे गांव से शहर ले आई। यहाँ रूपा के प्रोत्साहन और रूपा के पापा की मदद से मैं गायक बना। रूपा मुझसे प्यार भी करने लगी, मुझसे शादी करने का पक्का इरादा भी किया। उस समय माँ ने कहा कि देवी की याद में जीवन बर्बाद मत करो और रूपा से शादी करके सुखी रहो। देवी, तुम्हें मालूम है मैं कभी माँ की बात नहीं टालता। मैं रूपा से शादी करके भी तुम्हें मन से नहीं भुला पाया, लेकिन गुजरते हुए वक्त ने मुझे रूपा की बाहों में डाल दिया। ये सच्चाई मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था, अच्छे समय का इंतजार कर रहा था, उससे पहले मुझे किसी ने फंसा दिया। आज मैं तरक्की की जिस बुलंदी पर हूं उसका तुम दोनों ही कारण। सच मानो, मेरे लिए देवी रूपा में कोई फर्क नहीं, तुम दोनों ही मेरे मन में बसे हो। आप दोनों के साथ रह सकते हैं लेकिन मैं नहीं। औरत दुनिया में हर चीज का बंटवारा कर सकती है लेकिन अपने पति का बंटवारा कभी नहीं कर सकती। फैसला आपको करना है, आपको देवी चाहिए या रूपा। आपकी जिंदगी में सबसे पहली जगह है वो मेरी, उसके बाद आई रूपा। देवी भले ही आपकी जिंदगी में पहले आई होगी लेकिन समाज के सामने आपने मुझसे शादी की है, उसके बाद इस देवी से। भले ही तुमने सामाजिक रूप से शादी की लेकिन हमने एक दूसरे को मन ही मन में पति पत्नी मान लिया था, और फिर हमारी तो मंदिर में शादी भी हो चुकी है, तभी तो ये मेरे पति हुए और मैं इनकी पत्नी। चलो जल्दी।
देवी और रूपा कहाँ है? बोल। ए। ए। गजराज। है पुत्र का नाम। मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया मालूम है? अपुन ने सुना था कि तूने इसी थिएटर से अपना करियर शुरू किया था। लेकिन आज इसी थिएटर में अपुन तेरे को खलास कर डालेगा, समझा बेडो? कैसा लगा तेरे को? Thank you.
शंकर है अपुन का नाम। हेलो चलो सो हेलो वेल्डन शंकर वेल्डन, ये सब आपकी मदद से हुआ। तुमने साबित कर दिया कि शंकर शंकर थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए हम गांव लौट चले। चलिए हम घर चलते हैं। तुम दोनों ही मेरी बहू नहीं हो सकती। बहुत सह लिया लेकिन अब और सह नहीं होगा। अपना खून बहाकर तुम दोनों को बचाया इसने। इसका खून पोंछने के लिए तुम दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है। फिर किस तरह ये तुम दोनों के साथ जी पाएगा? इधर सुनो, मेरे बेटे ने तुम दोनों को मन से अपनाया, ठीक वैसे ही तुम दोनों भी इसे मन से अपनाओ, तभी सुख से जी सकोगी। सोच लो। मुरली मेरी बात समझो बेटा, इन्हें भूल जाओ। ये धन दौलत और शोहरत कुछ नहीं चाहिए। हम जैसे अपने गांव से आए थे वैसे ही चले जाएंगे। चल बेटा चल। उनके घर में ये कैसी आवाज? बाप रे, इन दोनों को कैसे संभालूंगा?